यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आके प्रोजेक्ट करती है, या तो आपको वो पार्ट इवैल्यूएशन करना है या फिर इंडियन कंपनीज फॉरेन में जाके प्रोजेक्ट करती है उसको इवैल्यूएशन करना है। तो लेट अस रीड द सम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेदर फॉरेन कंपनीज कमिंग इन इंडिया और इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग अब्रॉड, तो ये अपन जरा जानने की कोशिश करते हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई लिमिटेड इज एंगेज्ड इन रिटेल बिजनेस इन इंडिया, तो एक बिजनेस यूनिट है इंडिया का। इट इज कंटेम्पलेटिंग फॉर एक्सपांशन इनटू कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय अक्वायरिंग अ ग्रुप ऑफ स्टोर्स हैविंग द सेम लाइन ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिकली सर ये इंडियन कंपनी है जो अफ्रीका में बिजनेस करने का सोच रही है, राइट। द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी प्रपोज्ड अफ्रीकन कंट्रीज एक्सट्रीमली वोलेटाइल, तो अफ्रीकन कंट्री बहुत वोलेटाइल है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन वहाँ पे 40% है, जैसे कि सर आम अफ्रीकन कंट्री में होता है लाइक जिम्बाब्वे वगैरह जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है, साउथ अफ्रीका वगैरह, सर वो बहुत वोलेटाइल इकोनॉमी है, तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रैक्टिकली दिया हुआ है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन इंडिया इज करंटली एट 10% ईयर। मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट द रेट्स लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। तो सर आपके पास इन्फ्लेशन है इंडिया और अफ्रीका का, और उन्होंने बोला आगे भी वो कंटिन्यू रहने वाला है। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कैश फ्लो इन रियल टर्म्स, रियल टर्म्स दिया हुआ है सर, रियल और नॉमिनल आपको फिशर इफेक्ट से पता होना चाहिए कि रियल और नॉमिनल का रिलेशन क्या है। तो सर नॉमिनल रियल के बीच में आता है इन्फ्लेशन। तो उन्होंने बोला एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कैश फ्लोज इन रियल टर्म्स दिया हुआ है इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीकन कंट्री फॉर द फर्स्ट थ्री ईयर, 3 साल का प्रोजेक्ट है बेसिकली। ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज, आपको कैश फ्लोज दिया हुआ है इंडियन करेंसी में रुपी में और अफ्रीकन रैंड्स में दिया हुआ है। ईयर जीरो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ईयर 1, 2 और 3 के कैश फ्लो दिए हुए हैं। अगर आप इंडियन ऑपरेशन देखोगे तो सर इंडियन ऑपरेशन तो 3ों साल में लॉस है, अफ्रीकन ऑपरेशन सर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये एक बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये एयरटेल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि भारतीय एयरटेल बेसिकली अफ्रीका में जाके MTN करके कंपनी बाय किया था, और उनका वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जहाँ पे वो अफ्रीकन यू नो कंट्री में, वहाँ पे प्रोजेक्ट अफ्रीकन कंट्री में एक्सपांशन कर रहा था। एक्स वाई लिमिटेड अज्यूम्स दैट ईयर 3 नॉमिनल कैश फ्लोज विल कंटिन्यू टू बी अर्नड ईच ईयर इनडेफिनेटली, मतलब सर आफ्टर 3 ईयर प्रोजेक्ट में जो कैश फ्लोज है वो परपेचुअल अपने को कंसिडर करने, कौन से सर नॉमिनल कैश फ्लो। लेकिन आपको ऊपर दिए हुए हैं ये सब, जो दिए हुए ये सब रियल कैश फ्लोज है, तो बेसिकली आपको रियल से नॉमिनल करना पड़ेगा। इट इवेल्यूएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट यूजिंग येस नॉमिनल कैश फ्लोज एंड अ नॉमिनल डिस्काउंट रेट। तो आप नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल रेट से डिस्काउंट करोगे, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट मतलब स्पॉट रेट दिया हुआ है सर उन्होंने, स्पॉट रेट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर अफ्रीकन रैंड 6 to 1 रुपी, मतलब 1 रुपया 6 अफ्रीकन रैंड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, पहला चीज उन्होंने पूछा हुआ है, पहला चीज कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग क्या अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इंटू रुपीज, जो एनी वे अपने को करना है क्योंकि इंडियन कंपनी है, एंड डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट। तो जो आपका नया डिस्काउंटिंग रेट होगा उसके बेसिस पे आपको उसको इवेल्युएट करने का है। दूसरा, All cash flows of this projects will be discounted at 20% to reflect its high risk, ignore taxation, और 20% के discounting rate पे आपको rates दिए हुए हैं, right? तो basically sir आपने अगर notice किया रहेगा तो यहाँ पे multiple चीज़ें आने वाली है, जैसे कि sir उन्होंने inflation दिया हुआ है और real nominal cash flow बोला हुआ है, तो sir inflation से basically अपने को future के currency rates निकालने पड़ेंगे 1 रुपये के in terms of African rand, ताकि हम लोग जो African cash flows है उसको Indian रुपये में convert कर पाए। इसके लिए हम लोग yes, क्योंकि inflation दिया है तो हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी का सहारा लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर रेट्स फॉरवर्ड रेट्स निकालेंगे। प्लस क्योंकि उन्होंने अपने को इन्फ्लेशन दिया हुआ है दोनों कंट्री का, तो सर इन्फ्लेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रियल कैश फ्लोज है उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड करके 1, 2 या 3 साल के जो भी इन्फ्लेशन है वो ऐड करके उसको नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे, तो सर अपने पास इंडियन कैश फ्लोज नॉमिनल में आ जाएंगे, अपने पास अफ्रीकन कैश फ्लोज अफ्रीकन रेंट्स वाले कैश फ्लोज नॉमिनल में आ जाएंगे, उसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड रेट्स पे, और सर फिर वो NPV निकालेंगे और देखेंगे कि वेदर ये प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं है, राइट। सो लेट अस डू द सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का ये PM वगैरह का ही समय, तो मैंने इसको कैटेगरी C1 दिया हुआ है, सेम सम ऑलरेडी अवेलेबल है विद सेम फिगर्स, तो मैंने एक क्लासरूम में सॉल्व किया हुआ है। सो लेट अस रीड एंड लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन कि इसको कैसे कैसे वापस प्रेजेंट करना है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन पे सबसे पहले मैंने जो अपने को नेसेसरी चीज़ें यहाँ पे सर में जरूरत पड़ने वाली है वो मैंने निकाल दिया, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू फॉरवर्ड रेट्स निकालना है, और सर आपको फैक्टर्स निकालने हैं इन्फ्लेशन के ताकि आप कैश फ्लोस को रियल से नॉमिनल कर पाओ, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो यहाँ पे सर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो अफ्रीकन इन्फ्लेशन उन्होंने 40% और इंडिया का 10% दिया हुआ था, और स्पॉट में 1 रुपी का रेट, ये रुपी को हम लोग बेस करेंसी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 1 रुपी का रेट दिया इन टर्म्स ऑफ अफ्रीकन करेंसी,
करेंसी विच इज वेरिएबल करेंसी. तो सर एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी फॉरवर्ड निकालते हैं हम लोग, स्पॉट रेट लेते हैं इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन ऑफ वेरिएबल अपॉन बेस लेंगे, तो सर अफ्रीका का इन्फ्लेशन 40% है, इंडिया का 10% है, तो आपको फॉरवर्ड रेट आ जाएगा सर, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा एक रुपये का, एक साल के एंड का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा. तो ऐसे करके सर आप क्या कर सकते हो सर, आज जो स्पॉट रेट है उससे आप फॉरवर्ड रेट निकालोगे सर एक साल के एंड का, उसी को सर क्या करोगे 1.4 स्क्वायर अपॉन 1.1 स्क्वायर करेंगे तो सर आपके पास दो साल का रेट आ जाएगा. तो यहाँ पे सर आपको दो साल का रेट आ गया है 9.7190, और सर इसी को अगर आप क्यूब करेंगे तो सर आपके पास तीन साल का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा जो 12.3696 है. तो ऐसे करके परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू जो आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हो अपने पास फॉरवर्ड रेट्स आ गए हैं. अब उन्होंने अपने को सर कैश फ्लोज जो दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर आप कैश फ्लोज देखेंगे तो आपको इंडियन कैश फ्लोज रुपीस में और अफ्रीकन कैश फ्लो रुपी में दिए, और ये सब रियल कैश फ्लोज है. तो हम लोग बेसिकली रियल से उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नॉमिनल कैश फ्लो करेंगे. तो यहाँ पे सर मैंने दोनों के रियल कैश फ्लोज को कंसिडर करके दोनों का इन्फ्लेशन, जैसे कि सर इंडिया में इन्फ्लेशन 10% है तो एक साल का 1.1 उसको स्क्वायर करेंगे तो 1.21 और तीन साल का 1.331 आएगा. उसी तरीके से सर अफ्रीकन कैश फ्लो को 1.4 जो उसका 40% इन्फ्लेशन है उससे स्क्वायर करेंगे तो दूसरे साल का और तीसरे साल का फैक्टर आ जाएगा. तो सर ऐसे आप रियल कैश फ्लोज जो है सर, ये तो ईयर जीरो वाला है तो इसको नहीं कंसिडर करना, ईयर वन टू और थ्री के कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है. तो सर 1500 को सर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो 1650 यहाँ पे 2420 और 3328 आ जाएगा आपके पास. इस तरीके से सर क्या आ गया है, नॉमिनल कैश फ्लो आ गया है रुपी टर्म्स में. उसी तरीके से सर आप अफ्रीकन कैश फ्लोज को भी देखेंगे तो सर आपके पास अफ्रीकन कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो 50,000 का 70,000 हो जाएगा, ये 137,200 और 246,960 हो जाएगा. हालांकि अफ्रीकन कैश फ्लोज सर अफ्रीकन रैंड्स में है तो उसको अपने को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, अपने को पता है फॉरवर्ड में सर एक अफ्रीकन रैंड के सामने मतलब एक रुपी के सामने सर 7.6364 वन रुपी आई शुड से फॉरवर्ड में अफ्रीकन रैंड्स है 7.6364 वन ईयर के एंड पे, और आपके पास यहाँ पे सर है कितना सर आपके पास यहाँ पे 70,000 अफ्रीकन रैंड्स है, तो 70,000 अफ्रीकन रैंड्स है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपको फॉरवर्ड रेट से डिवाइड करना पड़ेगा. इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे तो 70,000 से डिवाइड किया हुआ है फॉरवर्ड रेट्स को 137,200 से सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड, और सर 246,960 से थर्ड ईयर का फॉरवर्ड किया है. ऐसे करके सर आपने क्या किया, आपको जो फ्यूचर में अफ्रीकन रैंड्स आने वाले हैं उनको बेसिकली रुपीज में कन्वर्ट कर डाला है. ये जो आपको सर जीरो टियर का दिख रहा है सर, जीरो टियर में कोई चेंज नहीं होता है. तो जीरो टियर में सर आप देखोगे यहाँ पे तो जीरो टियर में जो 2 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे 50,000 का 50,000 ही रहेगा. ये लेकिन ये 2 लाख को सर डिवाइडेड बाय 6 अपने को करना पड़ेगा, 2 लाख को डिवाइडेड बाय 6 ताकि वो रुपी में आ जाए, और सर आपके पास 33,333 अफ्रीकन रैंड्स रुपीज में आ जाएगा ये वैल्यू. तो उस तरीके से सर अभी आपके पास रुपी टर्म्स में आ गया है पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू, नॉमिनल कैश फ्लोज आ गया है इंडियन रुपी और अफ्रीकन रुपी में, और सर इन दोनों का अगर अपन टोटल मारेंगे तो सर अपने पास नेट नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा इंडिया और अफ्रीकन ऑपरेशंस के साथ, और सर वो दोनों को रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सर ये 50,000 और 33,333 को करेंगे तो 83,333 नेगेटिव आएगा. फर्स्ट ईयर के एंड पे सर आप यहाँ पे 1650 नेगेटिव और 9167 को करोगे तो 7517 पॉजिटिव, यहाँ पे सर 2420 नेगेटिव है और यहाँ पे 14,117 है तो 11697 हो जाएगा, यहाँ पे 3328 है और वो नेगेटिव है 19965 करेंगे तो 16637 हो जाएगा. सर ये जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है इसी के बेसिस पे अपन एनपीवी निकालेंगे, तो आने वाले तीन साल के कैश फ्लो को अपन 20% का जो अपना नॉमिनल रेट दिया हुआ है उससे डिस्काउंट करेंगे तो ईयर वन टू और थ्री के कैश फ्लो जो आपको यहाँ पे मिले थे सर 7517 11697 और 16637 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 83333 है, तो इनको सर अपन 20% के जो उन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए डिस्काउंटिंग रेट है उससे अपन डिस्काउंट करेंगे सर यहाँ पे, और डिस्काउंट करने पे जो अपने को आउटकम आएगा, लेकिन ये सर थर्ड ईयर का होगा और टर्मिनल ईयर का अपने को आउटकम निकालना है. तो टर्मिनल ईयर के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है सिचुएशन वो अपन जरा समझते हैं. उन्होंने बोला है XY लिमिटेड अज्यूम्स ईयर थ्री नॉमिनल कैश फ्लोज विल कंटिन्यू टू बी अर्नड ईच ईयर इनडेफिनेटली, मतलब सर वो फॉरएवर आने वाला है और उसमें कोई ग्रोथ रेट नहीं आने वाला है. तो जो सर थर्ड ईयर का कैश फ्लो है 16637 नॉमिनल वाला उसको अपन परपेचुअल रेट से डिस्काउंट करेंगे तो 83185 आ जाएगा. इन सबको डिस्काउंट करेंगे तो सर इन सबको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू अपने पास जो आने वाला है वो प्रेजेंट वैल्यू
करेंगे अपन PVCI, तो अपने पास PVCI 72,117 आएगा, हालांकि अपना PVCO नॉमिनल टर्म्स में 83,333 है, तो अपना NPV नेगेटिव आएगा। NPV नेगेटिव मतलब एक्सपांशन का जो ये प्लान है इंडियन कंपनी का अफ्रीका में जाने का, वो व्यर्थ है, उससे सर कोई फायदा नहीं होने वाला, तो एक्सपांशन करना नहीं चाहिए, ये अपना कंक्लूजन होने वाला है। इसी चीज़ को सर आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में देखेंगे, तो सर अपना जो यहाँ पे जो नेट कैश फ्लोज आया था सर, यहाँ पे 83,7517, 11,697 और 16 वाला जो कैश फ्लोज है सर, वो सेम कैश फ्लोज है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपको सेम कैश फ्लो, अपना टर्मिनल वैल्यू 48,164 था, तो यहाँ पे भी सर आपका टर्मिनल वैल्यू 48,164 के आसपास है, और सर फाइनली NPV 11,156 है, तो NPV भी 11,156 नेगेटिव है, जिसके तहत प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है, इट्स नॉट वायबल, राइट। सो बेसिकली इस हिसाब से सर आप ये पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सम सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है, लेकिन आपको परचेजिंग पावर पैरिटी और सर फिशर इफेक्ट के तहत आपको रियल को नॉमिनल करने आना चाहिए, कैश लॉस को, ये सब आना जरूरी है। ये सम के बाद जनरली मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ कि कैसे एयरटेल ने अपने अफ्रीकन बिजनेस को एक्सपांड किया और उसमें फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद एयरटेल का समय जो एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जो अफ्रीका में बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रहा था, और ऑफ लेट सर जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ, तो ये जरा आपको वहां पे एग्जांपल दिखेगा आपके टाइम पास के लिए, अदरवाइज सर सम बहुत इजी है, राइट। थैंक यू। ओके, तो अब मैं करने जा रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और रिस्क।